यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और मुनका भादुरगढ़ के बीच मेट्रो रविवार 24 जून से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। इस लाइन के शुरू होने से गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद हरियाणा का तीसरा शहर भी दिल्ली मेट्रो से जुड़ जाएगा। लेकिन प्रशासन की ओर से आज ही सड़क बंद करवा दी गई है। सड़क के दोनों ओर से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जिसके चलते शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कल मेट्रो लाइन का उद्घाटन पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहेंगे। ये समारोह सिटी पार्क मेट्रो स्टेशन पर होगा। सिटी पार्क से हर 9 मिनट में इंद्रलोक और कीर्ति नगर के लिए मेट्रो चलेगी। ये लाइन करीब 1500 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई है। मुनका से भादुरगढ़ तक 7 मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप धनखड़, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? कल उद्घाटन होने वाला है मेट्रो लाइन का भादुरगढ़ में। जी दीपिका, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भादुरगढ़ के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनका भादुरगढ़ मेट्रो लाइन का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम में पहुंचेंगे, साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के साथ साथ नरेश कौशिक हैं विधायक भादुरगढ़ से, वो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और मेट्रो में सफर भी वो करेंगे। करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत आई है इस पूरी मेट्रो लाइन को तैयार करने में। मुनका से भादुरगढ़ की दूरी करीब 11.5 किलोमीटर है और टीसी की दूरी के बीच में 7 मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। दिल्ली की सीमा के अंदर करीब 4 स्टेशन और 3 मेट्रो स्टेशन भादुरगढ़ की सीमा में बनाए गए हैं। प्रशासन लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जल्द से जल्द जो कार्य पूरा करने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी और सड़क को भी दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था। हालांकि मीडिया में मामला आने के बाद अभी कुछ देर पहले ही वो बैरिकेडिंग खोल दिए गए हैं और सुचारू व्यवस्था लगातार यातायात की कर दी गई है। मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में इसकी निर्माण शुरू हुआ था, जिसके बाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कल उद्घाटन होने वाला है भादुरगढ़ में, लेकिन समस्या लोगों के सामने यात्रा की अभी से आनी शुरू हो गई है। एक तरफ तो सरकार की तरफ से मेट्रो लाइन दी जा रही है ताकि जो लोग हैं उन्हें इजीली एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे आने जाने का मौका मिल सके, उनकी यात्रा सरल हो चुके। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ अगर दूसरे पहलू को देखे जाए तो यहां पर सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की गई है, जो यातायात में आवाजाही का एक सबब बन रही है और आवाजाही जो है यात्रियों की वो रुकती हुई नजर आ रही है। इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं आज से ही परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है।